Good morning, class 8. Tomorrow we have completed with the back exercise of this environmental degradation. And I gave you a homework and nobody has sent me the answers. At page number 124, I told you to do this work, use your dictionary and write this. Nobody has sent me. Class 8, send me immediately the answers. This one, and this one. I want answers immediately. After watching the video, just send me the answers. So today we are going to start with this lesson, Mansarovar Kailash. So this is the section 3 of unit 6. So have you heard about this place? Aapne suna hai? Aapne Amarnath suna hoga? Vaishno Devi suna hoga? ऐसी बहुत सारी पिलग्रिमेज की हमारी प्लेसेस हैं. देर आर सो मेनी प्लेसेस वेयर द पिलग्रिम्स गो एंड वन ऑफ देम इज मानसरोवर कैलाश. सो मानसरोवर कैलाश, कैलाश से आपको कुछ समझ आया? कैलाश माउंटेन का ही नाम है, पर्वत हमारे माउंटेन रेंजेस हैं जो. वेयर द ब्यूटी पीस एंड भक्ति ड्वेल. नाउ हियर इज अ कैप्शन. जहाँ पर बहुत प्यारी सी ब्यूटी है, सुंदरता है, पीस कामनेस है, सेरेनिटी है एंड भक्ति ड्वेल. मींस वहाँ पे आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, भक्ति, ब्यूटी एज वेल एज द पीस कामनेस. सो द ब्यूटी, द सेरेनिटी एंड द भक्ति दैट वॉज फेल्ट बाय अस व्हेन वी रीच्ड मानसरोवर एंड कैलाश आर inexplicable. Means when we reach this Mansarovar Kailash, so there we got the mixture of beauty, serenity and the bhakti. Means वहाँ पर इतनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ थी, means इतनी ज़्यादा श्रद्धा थी उनमें, और आसपास का जो environment था वो बहुत beautiful था, scenic, बहुत सुंदर scenery थी आसपास. स्नो क्लैड हिल्स थे और वहाँ पे लोग पिलग्रिम्स चलते जा रहे हैं ऊपर, और इतनी श्रद्धा है उनके मन में कि वो इतनी ये टफ जर्नी ट्रैकिंग है सारी और उसको वो पूरा करते हैं. इज इनएक्सप्लिकेबल मीन्स यू कैन नॉट एक्सप्लेन समथिंग, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सेरेनिटी मीन्स कामनेस. सो द टीयर्स वेल्ड अप इन माय आईज एट द साइट. तो जैसे ही हम उनको देखते हैं ना, पिलग्रिमेज की जो प्लेस है मानसरोवर कैलाश, तो जब हमारे सामने उनकी जो वो है मंदिर आया, पिलग्रिमेज आई, तो हमारी आंखों से आंसू फ्लो होने शुरू हो गए. आई फेल्ट एज इफ माई लाइफ एम्बिशन एंड ड्रीम हैड गॉट फुलफिल्ड. सो आई वॉज फीलिंग एज इफ इट वॉज माई लास्ट एम्बिशन एंड दैट हैज़ बीन फुलफिल्ड. आई वॉज सो हैप्पी एंड ओवरहेल्ड that my dream had come true. Means जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया है. The peak of my life and wife's had been successfully reached. कि जो मैं और मेरी वाइफ का पीक था लाइफ का, लाइफ का मीन्स जो highest point था, हम वहाँ पहुँच चुके थे. The travails, the hardships, the long steep trek had all been forgotten and we felt jubilant. मीन्स हम कितनी भी हार्डशिप्स करके वहाँ तक पहुँचे, वहाँ तक जाना, वहाँ की तक की जो ट्रैकिंग है वो बहुत डिफ़िकल्ट है बच्चे. जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट है कि हमें अपना इंडिया का जो है बॉर्डर क्रॉस करके चाइना के बॉर्डर, चाइना की तरफ जाना पड़ता है. वहाँ पे है ये प्लेस. तो द पीक ऑफ माई लाइफ एंड वाइफ हैज़ बीन सक्सेसफुली रीच्ड. हम लोग बिल्कुल उस पीक पे पहुँच चुके थे लाइफ की, जहाँ पे हमारी लाइफ बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल वहाँ सक्सेसफुली पहुँच गए थे. मीन्स ये हमारी एम्बिशन थी उनके दर्शन करना. द ट्रवेल्स, ट्रवेल्स मीन्स द डिफिकल्टीज एंड सफरिंग्स जो भी उन्होंने, दे हैव अंडरगॉन वाइल ट्रैवलिंग, वाइल ट्रैकिंग टू दैट प्लेस पिलग्रिमेज. सो दे ऑल फॉरगॉट एट द फर्स्ट साइट व्हेन दे सॉ दैट प्लेस. कैलाश मानसरोवर जब उन्होंने देखा दूर से, जो उन्होंने जो वहाँ की जो मंदिर है, जो मेन टेम्पल है, जैसे ही उनकी नज़रों के सामने आया तो वो सब अपनी हार्डशिप, सब ट्रबल्स वगैरह सब भूल गए.
बस उनको ये लगा कि हमें सब कुछ मिल गया, वी आर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अवर, सक्सेसफुली वी हैव रीच देयर, हमें और कुछ नहीं चाहिए. तो हम वी फेल्ट जुबिलेंट, मींस वी वर मोर देन हैप्पी, कि इतनी खुश थे कि वो अपनी खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आप होते हैं कभी ऐसे जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आपको लगता है आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स सब मेरे सामने छोटे लग रहे हैं. यू आर सो हैप्पी, मीन्स योर हैप्पीनेस नीड नो बाउंड्स, वो वाली खुशी इनको लग रही थी. लिटरली ऑन द टॉप. सो सेड मिस्टर जुगल किशोर चंडक. सो दिस ऑल दिस स्टोरी, दिस डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन गिवन बाय मिस्टर जुगल किशोर चंडक. ये बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं. ही इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस. ही एंड हिज वाइफ हैज विजिटेड मानसरोवर कैलाश, हु हैड सक्सेसफुली रीच्ड मानसरोवर एंड कैलाश पर्वत. मानसरोवर एंड कैलाश पर्वत उन्होंने सक्सेसफुली वहां तक पहुंचे. एंड 40 अदर पिलग्रिम्स, और 40 उनके साथ भी थे जो पिलग्रिम्स थे, उनमें से दो ये थे, मिस्टर जुगल किशोर चंदक एंड हिज वाइफ एंड 40 अदर्स, मीन्स 40 लोग और थे और दो ये लोग थे, मीन्स टोटल 42 पीपल पिलग्रिम्स. दे हैड ब्रॉट बैक लार्ज कैंस ऑफ मानसरोवर वाटर विच टेस्टेड प्योर क्लीन स्पिरिचुअल इवन दो इट वॉज अ मंथ ओल्ड. तो वो अपने साथ क्या लेके आए थे वापस? दे ब्रॉट लार्ज कैंस ऑफ मानसरोवर. वहां पर सरोवर है, एक सरोवर मानसरोवर उसका नाम है. वहां से वो लार्ज कैंस उठा के लाए उस पानी के. एंड वो आते आते उनको एक महीना लग गया था, मीन्स बहुत डिफिकल्ट है ये ट्रैकिंग. इट टेक्स अराउंड मंथ टू गो एंड कम बैक बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो आते आते उनको इट वॉज अराउंड मंथ. तो वो पानी अभी भी उतना ही प्योर, उतना ही क्लीन और उतना ही स्पिरिचुअल था. पानी में कोई भी टेस्ट में फर्क नहीं आया था. कैलाश एंड मानसरोवर आर हाई अप इन द हिमालयस. तो ये जो दोनों अलग अलग हैं, कैलाश पर्वत है और मानसरोवर है, ये दोनों कहाँ पे हैं? हाई अप इन द हिमालयस, हिमालयस में हैं ये. एंड वन हैज़ टू क्रॉस इंडियन बॉर्डर्स एंड रीच इनटू चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत फॉर द दर्शन ऑफ हेवनली प्लेसेस. सो टू रीच दिस प्लेस कैलाश एंड मानसरोवर, वी हैव टू क्रॉस द इंडियन बॉर्डर्स एंड we have to move towards China, occupy Tibet. Tibet का थोड़ा हिस्सा जो चाइना के उसमें है, चाइना ने ऑक्यूपाई किया, हमें वहाँ जाना पड़ता है. To have this darshan of this heavenly place, though there are no holy temples or any tourist paraphernalia, several trips organized by the Ministry of External Affairs, Government of India take pilgrims up to 22,500 feet into snowy and beautiful Himalayas. सो दे आर सेइंग कि ऐसे तो कोई भी होली टेम्पल्स नहीं हैं, और ना ऐसे कोई भी होली टेम्पल्स नहीं हैं या ऐसा कोई टूरिस्ट पैराफर्नेलिया होता है. बच्चे वो सारी चीज़ें जो आपको किसी एक एक्टिविटी को करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सारा सामान, वो सारा मटीरियल. सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर ऑन अ टूरिज्म, आप किसी टूर पर जा रहे हैं, तो दे आर सेइंग ही मीन्स टू से दैट एनी टूरिस्ट पैराफर्नेलिया या कोई ऐसी होली टेम्पल्स नहीं हैं, सेवरल ट्रिप्स आर ऑर्गेनाइज by the Ministry of External Affairs. तो ये बहुत सारे ऐसे ट्रिप्स बनाए जाते हैं. कौन बनाता है? Ministry of External Affairs and Government of India आपको इस ट्रिप पे लेके जाती है. कहाँ, कितना ऊंचा है? 22,500 feet ऊपर लेके जाते हैं आपको. ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है पूरा. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको टेकअप करते हैं. एक्सटर्नल अफेयर्स क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट नेशंस हो गए ना, इंडिया एंड चाइना, तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स ही कंट्रोल करते हैं इस चीज़ पार्ट को. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पूरा ट्रिप जो होता है ऑर्गेनाइज होता है, और ये ऐसे सेवरल ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड वहाँ पर आपको ये कितनी ऊंचाई तक लेके जाते हैं? 22,500 feet into snowy and beautiful Himalayas. तो आप इतनी ऊंचाई पे जाते हैं जो पूरा आपके चारों तरफ स्नो ही स्नो होती है. Nestling in the snow-clad mountains where the temperatures fall to sub-zero temperature. And when you are
मूविंग अप टूवर्ड्स द हिमालय सो यू इट इज़ बट ऑब्वियस कि वहाँ टेम्परेचर तो जीरो ही होगा, सब जीरो, राइट, स्नो क्लैड है सारा, तो ऑब्वियसली वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत डिपिंग होता है ड्यूरिंग द हाइट ऑफ समर इन इंडिया. जब हमारे समर होती है यहाँ इंडिया में तब भी वहाँ पे जीरो होता है टेम्परेचर कई बार. यू कैन जस्ट इमेजिन अगर आप सर्दियों में जाएं तो फिर तो आप यू जस्ट कांट सर्वाइव देयर. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो देयर. इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट. नॉट एवरीबडी कैन गो थ्रू दिस जर्नी. इट्स वेरी वेरी टफ. सो दीज प्लेसेज आर सीरीन, ब्यूटिफुल एंड पिक्चरेस्क. तो ये जो ऐसी प्लेसेस होती हैं ना बच्चे, जो इतनी ऊंचाई पे हैं, इतने हाई एल्टीट्यूड पे हैं, दे आर वेरी सीरीन. सीरीन मीन्स वेरी काम. वहाँ जाके आपको बहुत शांति मिलती है, ट्रैंक्विलिटी मिलती है, पीस मिलता है, एंड सीनरी आपकी इतनी ब्यूटीफुल होती है, पिक्चरेस्क. पिक्चरेस्क मीन्स ब्यूटीफुल सीनरी, अट्रैक्टिव, वंडरफुल, टोटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. यू फील एज इफ यू आर इन द हेवनली अबोड. आपको ऐसा लगता है आप स्वर्ग में आ गए हैं, इतना सुंदर होता है. इट वॉज नॉट ईजी, स्माइल द चंदक कपल. तो वो वहाँ पहुँच के अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं हम सबको कि ये ईजी नहीं था. इट वॉज नॉट ईजी, इट वॉज अ रियल एडवेंचर. रियल एडवेंचर था. एडवेंचर क्या होता है बच्चे? एडवेंचरस जर्नी होती है जिसमें बहुत सारे रिस्क भी होते हैं, बहुत सारे हार्डशिप्स होते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होती हैं जो आपको ओवरकम करके आगे जाना होता है. दैट इज कॉल्ड एडवेंचरस, रिस्की. सो दे आर सेइंग दैट इट वॉज रियल एडवेंचर. दे हैव टू फेस लॉट मेनी प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स थ्रू आउट द जर्नी. द सीन्स वी पास्ड वर सिंपली ब्यूटिफुल, क्लोज टू नेचर एंड एब्सोल्युटली अनटच्ड बाय द मैन. सो दे आर टेलिंग अबाउट द सीनरीज दैट दे वर सो ब्यूटिफुल. क्लोज टू नेचर, आप पहाड़ों पर जा रहे हैं तो वहाँ पर ग्रीनरी ग्रीनरी होगी और स्नो क्लैड होगी, पूरा चारों तरफ वाइट ही वाइट है, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो ऑब्वियसली वो बहुत ब्यूटीफुल भी होगा, बहुत सेरेन भी होगा. और अनटच्ड बाय मैन मीन वहाँ पे लोग काफ़ी कम जा पाते हैं, सब लोग नहीं जा पाते, तो इसलिए अभी वहाँ पे छेड़छाड़ नहीं हुई है ज़्यादा. नो पोल्यूशन, नथिंग, एवरीथिंग प्योर. नो इलेक्ट्रिसिटी, नो रेडियो, नो टीवी और एनी अदर मॉडर्न इक्विपमेंट वॉज देयर. कोई भी ऐसा मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था. वी वर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड. आपको ऐसे लगता है कि आप दुनिया से बिल्कुल कट चुके हैं क्योंकि इतने हाई एटीट्यूड पे आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल सकती. दे कैन नॉट प्रोवाइड. बट इट वॉज अ हेवनली एक्सपीरियंस. पर जो हमने एक्सपीरियंस किया वो हेवनली था. मीन्स वी वर फीलिंग एज इफ वी वर इन द हेवन. हमें वहाँ पे जाके स्वर्ग जैसा फील हुआ. इट टुक अस मंथ्स बट द एक्सपीरियंस वॉज वर्थ इट. हमें महीने लग गए वहाँ जाने में और वापस आने में, बट एक्सपीरियंस वॉज वर्थ इट. मीन्स जो एक्सपीरियंस था हमें लगा कि यस, हम वहाँ पे गए तो मतलब इट वॉज वर्थ वाइल. वहाँ जाना और हमारा आना हमारा साकार हो गया, जैसे हम हिंदी में कहते हैं. इट वॉज वर्थ इट कि हमें वहाँ जाकर लगा कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने बहुत कुछ वहाँ जाके एक इंटरनल हैप्पीनेस फील की, अंदर से जो खुशी मिलती है वो फील की. नाउ इज टेलिंग अबाउट हिज जर्नी. स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली दे हॉल्टेड एट सेवरल प्लेसेस एंड कैंप्स. उन्होंने दिल्ली से स्टार्ट की अपनी टूर एंड दे हॉल्टेड एट सेवरल प्लेसेस एंड कैंप्स. हॉल्ट मीन्स शॉर्ट स्टॉप होता है, बीच बीच में आप कहीं कहीं रुकते जाते हैं, वहाँ कैंप्स लगे रहते हैं. आफ्टर सेवरल आवर्स, 7 to 8 hours, दे जस्ट कीप अ हॉल्ट, दे स्टॉप अ बस और या बसेस में गए होंगे तो वहाँ पे वो रुकते हैं, थोड़ा खाना खाया, रेस्ट किया और फिर आगे चल पाए. टिल दे रीच द इंडियन बाउंड्री देयर वॉज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. ऐसे ही उन्होंने अपनी जर्नी की, जब तक कि इंडिया की बाउंड्री नहीं आ गई तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं. एट द बॉर्डर इट वॉज लाइक अ विदाई. इंडियन बॉर्डर पर आपको फील ऐसा होता है कि जैसे आप जैसे गर्ल्स की विदाई नहीं होती वेडिंग में, वैसे आपको फीलिंग होती है कि इंडिया मीन्स हम अपने घर से जा रहे हैं, दूसरे घर में जा रहे हैं.
किसी दूसरे घर में ये गर्ल्स ही फील कर सकती हैं, सिर्फ बॉयज़ को ये फीलिंग नहीं आती क्योंकि गर्ल्स ही अपना घर लीव करके दूसरों के घर में जाती हैं. सो देयर दे फेल्ट द फीलिंग ऑफ विदाई एज द गर्ल्स फील व्हेन दे लीव आफ्टर मैरिज. द इंडियन आर्मी, पेट्रोलमैन, द पोनीज, द पोर्टर्स ऑल सॉ देम ऑफ एंड रिसीव देम आफ्टर दे रीच्ड बैक फ्रॉम द मानसरोवर. तो वहाँ पे पूरी हमारी इंडियन आर्मी होती है काफ़ी, मतलब जो भी ड्यूटी पे होते हैं पेट्रोलिंग मैन, जो लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग मैन भी इंक्लूडिंग द आर्मी ही होते हैं, दे पेट्रोल दैट एरिया, मॉनिटर दैट एरिया. पोनीज मीन्स एनिमल्स पे राइड नहीं करते कुछ लोग, खच्चर जिन्हें हम बोलते हैं, तो जो लोग नहीं चल पाते वो पोनीज पे बैठ के जाते हैं. द पोर्टर्स कुली, ठीक है, दे ऑल सॉ देम ऑफ, तो हम उनको सी ऑफ करके जाते हैं कि हम आके आपको मिलेंगे. मोस्ट ऑफ द पिलग्रिमेज वॉज थ्रू ब्रेथ ट्रेकिंग ब्यूटिफुल लैंडस्केप. तो जो पूरा पिलग्रिमेज है हमारा, पूरा रास्ता जो है, दैट इज स्पेक्टेक्युलर. ब्रेथ ट्रेकिंग मीन्स स्पेक्टेक्युलर, मीन्स आपके आपको सीनरी देख के आपके बस मुंह से ऐसे लगेगा वाओ, दैट वन फीलिंग, दैट इज कॉल्ड स्पेक्टेक्युलर. आपके मुंह से एकदम एक्सप्रेशन, यू एक्सक्लेम लाइक दिस वाओ इट्स सो ब्यूटिफुल, आपके मुंह से खुद जो निकलता है ना, इतना सुंदर वहाँ का सीनिक एनवायरनमेंट है, दैट इज कॉल्ड ब्रेथ टेकिंग और वी कैन से स्पेक्टेकुलर. वेयर मैन कैन कम्यूट विद नेचर, तो चारों तरफ नेचर ही नेचर है, स्नो है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, नो पॉल्यूशन इज देयर, तो हमें ऐसा लगता है कि हम नेचर के साथ चलते जा रहे हैं. कम्यूटिंग मीन्स जर्नी. द रिवाइंस आर डीप विद द काली गंगा फ्लोइंग. रिवाइंस आर द वैलीज, वैलीज आर द वैली बच्चे होती है, जैसे ये हिल हुए, राइट, सो द दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड द वैली, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द वैली. तो रिवाइंस को हम वैलीज भी कहते हैं, राइट. वहां पे अक्सर वैलीज में रिवर जरूर होती है, तकरीबन आप देखेंगे. सो द रिवाइंस आर डीप, बहुत गहरी खाई है, वैलीज हैं, विद काली गंगा फ्लोइंग. वहाँ पे जो गंगा है उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्कनेस में आता है, इसलिए उसे काली गंगा कहते हैं. द टोटल आइस शीट अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर प्रेजेंटिंग अ वाइल्ड लोनली एंड सुप्रीमली ब्यूटिफुल पिक्चर. टोटल आइस शीट अक्रॉस द इंडियन बॉर्डर, पूरा स्नो क्लैड एरिया है, पूरी आइस शीट बिछी हुई है इंडियन बॉर्डर के, प्रेजेंटिंग अ वाइल्ड लोनली एंड सुप्रीमली ब्यूटिफुल पिक्चर. बहुत सुंदर सीन लग रहा है, पूरा स्नो क्लैड है, माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं एंड डीप वैलीज हैं, वैली में नीचे काली गंगा बह रही है. यू कैन जस्ट इमेजिन, क्लोज योर आईज एंड इमेजिन योर सेल्फ कि वो सीन कैसा. सो वी स्टॉप हियर, यू गो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द लेसन एंड रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेसन, आई एम एंजॉइंग टू. सो रीड दिस पार्ट ऑफ द लेसन एंड आई वॉन्ट the homework, send it to me by tomorrow immediately. Thank you.